Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi. I am co-convener in Indian Medical Association. I am author of ENT Residency Made Easy book, which is a orientation book for ENT resident. आज हम बात करेंगे कि first year resident को कौन-कौन से instruments, ENT resident को कौन-कौन से instruments लेने चाहिए। कुछ basic instrument है, जैसे कि मैं पहले ही बताऊँ, surgical branch में अपने कुछ instruments लेने चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीचिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो थोड़े से मतलब अच्छे नहीं होते, काफ़ी रेगुलर यूज़ की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो अपने केसेस में हम अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। सारे इंस्ट्रूमेंट लेना पॉसिबल नहीं है स्पेशली, तो एटलीस्ट वो जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट जो वार्ड में कुछ केसेस करता है, जैसे बींग इन ENT, सिस्ट एक्सीजन हो गया, लोबिलोप्लास्टी हो गया, ये किलवाइड एक्सीजन, ये सब फर्स्ट ईयर वार्ड में करता है अपने फ्री डे के दिन, या माइनर ओटी में करता है ओपीडी के दिन। सो ये सब के इंस्ट्रूमेंट्स हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले ENT, ENT एक ब्रांच है जिसमें जैसे कि मेडिसिन है, मेडिसिन में आप एक स्थेथ और एक बीपी ऐप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ENT में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे उस में। सबसे पहले ऑटोस्कोप, ऑटोस्कोप एक बेसिक ऑटोस्कोप आपको लेना पड़ेगा, अब अगर आपके पास एंडोस्कोप भी है तो भी। वैसे जब हम फर्स्ट ईयर रेजिडेंट थे तो हम वेल ऑटोस्कोप लेते थे, दैट कॉस्ट 25,000, लेकिन वो ऑटोस्कोप लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अब एंडोस्कोप बहुत ईजिली अवेलेबल है, थोड़ा चीपर है, तो आप एंडोस्कोप रखो। एंडोस्कोप से क्लैरिटी और बहुत अच्छी दिखती है। एक प्रैक्टिस के लिए ऑटोस्कोप, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑटोस्कोप यूज़ करना होगा, सो एक पॉकेट ऑटोस्कोप रख लो, दैट कम्स इन 6 to 7,000। और जो मेन ऑटोस्कोप है जो मैं बोल रहा हूँ कि आप मत लो, वो 25,000 के आसपास आता है। तो 6 to 7K का मैक्सिमम ये प्राइस है उसका, 7K। वैसे वेल्की शैलिन के अलावा जो कुछ और कंपनीज हैं उनके चीपर भी आते हैं, तो ये आप रख सकते हो। इसके साथ साथ आपको एंडोस्कोप लेना होगा, खुद का एंडोस्कोप। थाउ इंस्टीट्यूट में एंडोस्कोप होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स में प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने देखा है, प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ एंडोस्कोप नहीं अवेलेबल होते हर जगह, केवल ओटी में होता है, ऐसा कुछ होता है, ओपीडी में नहीं होता। तो आप अपना एंडोस्कोप लो, इवन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, आपके हॉस्पिटल में अच्छे एंडोस्कोप्स हैं, बट फिर भी वो एंडोस्कोप क्या होते हैं, 7-8 साल से चल रहे हैं, वीर एंड टीयर हो जाते हैं, क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो बेटर है आप अपना पर्सनल एंडोस्कोप रखो, ब्यूलॉन्ग का एंडोस्कोप आप रखो, 17 से 19 हज़ार के बीच जनरली मिल जाता है। और उसमें कौन सा आप लो, 0 डिग्री लो और 70 डिग्री लो, ठीक है। 0 डिग्री आपको DNA ऑटोस्कोपी में काम आ जाएगा और 70 डिग्री लैरिंगोस्कोपी करने के लिए काम आ जाएगा। इसके साथ साथ लाइट सोर्स था ओपीडी में अवेलेबल होती है, बट आप अपना एक पोर्टेबल लाइट सोर्स लो, कि आपको टेबल से उठना नहीं पड़े, ओपीडी में ऐसे देख लो। तो एक पोर्टेबल लाइट सोर्स आती है 6,000 के आसपास, चाइनीज लाइट सोर्स है, थोड़ा अच्छा लाइट देता है वो आपको अमेजन पे मिल जाएगा, अमेजन से आप ले सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग को अगर अपने कंफर्ट के हिसाब से नेजल स्पेकुलम विद लाइट आती है 7,000 के आसपास का, वो ले सकते हो, लेकिन अगर आप एंडोस्कोप लिए हो तो ये लेने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप एंडोस्कोप लिए हो तो नो नीड टू बाई दैट, अगर लेना चाहो तो ले भी सकते हो। इसके बाद हेडलाइट, एक हेडलाइट बहुत जरूरी होता है। आप न्यू कोर्स ज्वाइन किए हो तो आप अमेजन पे जो ट्रैकिंग लाइट होती है 300 रुपीज के आसपास आ जाती है, अमेजन पे मिल जाती है, वो ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5,500 में आपको प्रॉपर हेडलाइट आ जाएगी, लेकिन हाँ वो डिफिकल्ट टू कैरी होगी। और जो ट्रैकिंग लाइट मैं बोल रहा हूँ उसकी भी लाइट प्रॉपर अच्छी होती है, बट उसकी उतनी नैरो लाइट नहीं होती, और लेकिन काम चल जाता है, वो आप ले सकते हो, वो ईजी टू कैरी, आप बैग में डाल के कैरी कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट में कुछ माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स आपको जरूरी हैं, ENT पूरी माइक्रो सर्जरी है तो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। उसमें क्या है, पैकिंग फोर्सेप्स है, पैकिंग फोर्सेप या उसको टिलीज बोलते हैं। इसके बाद जो आपको ईयर पैकिंग, नोज पैकिंग में हेल्पफुल होगा। इसके बाद क्रोकोडाइल फोर्सेप या एलिगेटर फोर्सेप बोलते हैं। उसके बाद जॉबसन हॉर्न प्रोब ले लीजिए, स्टेशियन प्रोब ले लीजिए। और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट याद रखिए, कोई भी माइक्रो इंस्ट्रूमेंट 500 से नीचे नहीं मिलता, जितना छोटा इंस्ट्रूमेंट उतना एक्सपेंसिव होता है एक्चुअली। इसके बाद सक्शन टिप ले लीजिए, बिग और स्मॉल। नेजल स्पेकुलम में थ्रूडिकम्स नेजल स्पेकुलम ले लीजिए, अपना कुछ मेटलिक टंग डिप्रेसर ले लीजिए, और बाकी तो वुडन टंग डिप्रेसर जो होता है वो ले लीजिए। और जो जैसे कि सिस्ट एक्सीजन वगैरह करते हो, लोबिलोप्लास्टी करते हो, उसके लिए आपको बड़े इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ेंगे। तो एक मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है इन सब में रिक्वायर होता है, जैसे कि आपको एक सूचर होल्डिंग फोर्सेप्स लेना है, सूचर एक तो थंब फोर्सेप ले लीजिए, एक सूचर होल्डर होल्डिंग ले लीजिए, एक स्मॉल आर्टरी ले लीजिए, स्मॉल सीजर ले लीजिए, मतलब नीडल होल्डर एक होना चाहिए आपके पास, तो ये ले लीजिएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट इसमें लीजिएगा उसकी साइज छोटी हो, क्योंकि आप ENT कर रहे हो, आप जनरल सर्जरी या ऑर्थो नहीं कर रहे हो, तो इवन जो नीडल होल्डर लें आप छोटी साइज की नीडल होल्डर लें, बेटर रहेगा।
कुछ मेडिसिन्स आपको हमेशा बैग में रखने पड़ेंगे, जैसे कि इथाइमोल ग्लिसरॉल जो आईजी पैकिंग के लिए होता है। आप ये कैसे रखो बैग में, आपको खुद खरीदने की जरूरत नहीं, दीज आर फॉर पेशेंट। तो किसी पेशेंट से आप दो मंगा लो, थोड़ा सा यूज़ होगा, बाकी आप एक अपने पास रख लो, आगे कभी पेशेंट से मंगाने की जरूरत नहीं होगी, आप यूज़ करो। जब आपका स्टॉक खत्म हो रहा है किसी और पेशेंट से मंगा लो, लाइक दैट, क्योंकि जनरली ये सप्लाई में नहीं आती मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में। 10% लिग्नोकेन स्प्रे भी पेशेंट से मंगा के रखते हैं, लेकिन कई हॉस्पिटल में सप्लाई में आती है, तो सप्लाई में आती है तो एक आप अपने बैग में रख लो। और मिरोसिल सप्लाई में आती है या पेशेंट से मंगाते हो, जैसे भी मंगाते हो आप एक दो एक्स्ट्रा स्पेयर मिरोसिल रखे रहो। कई बार क्या होता है, पेशेंट एक्टिवली ब्लीड करता है और मिरोसिल मंगाने का टाइम नहीं होता और हॉस्पिटल में भी आउट ऑफ स्टॉक हुई रहती है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि एक एक्सरे व्यू बॉक्स, एक्सरे फिल्म, सीटी फिल्म देखने के लिए व्यू बॉक्स आप रख लो अपने पास। तो एवरेज मतलब जो व्यू बॉक्स होता है वो 3-4K के आसपास आ जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा लेना चाहते हो विंडो सर्जिकल्स का तो वो 7-8K 8-8.5K में आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे आप सेकेंड ईयर में चले गए, आप टेम्पोरल बोन ड्रिलिंग वगैरह शुरू करते हो, तो आप मैराथन की ड्रिल आती है, मैराथन की भी दो ड्रिल आती है, आप देख लीजिएगा। एक कंपेरेटिवली वाइट वाला होता है, बेटर होता है, जिसका कंसोल पूरा स्क्वायर शेप का होता है, वो लो, और बीट्स वगैरह रख सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर में चले गए, एंडोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, तो आप अपनी पोर्टेबल एंडोस्कोपी यूनिट, क्योंकि आपको अपना आर्मामेंटोरियम बनाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन बनाना पड़ेगा, वो धीरे धीरे बनता है, एक दिन में नहीं बनता, क्योंकि काफ़ी एक कॉस्टली होते हैं। मैराथन ड्रिल जनरली आपको 15-16,000 मतलब अंडर 20,000 आपको मिल जाएगा, 16-17 जनरली देते हैं। इफ़ यू वांट टू नो सम, अगर आपको लेना है, आप कोई डीलर का नंबर ले, यू वांट टू नो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। और पोर्टेबल एंडोस्कोपी यूनिट, पोर्टेबल एंडोस्कोपी यूनिट जनरली 60-65,000 में आता है, वो ले सकते हैं, वो जनरली आप थर्ड ईयर में लो, उससे पहले मतलब उतना यूज़ नहीं आएगा। और इसके अलावा एक आपको बैग रखना पड़ेगा, जो आपके सीनियर्स बता देंगे जब आप फर्स्ट ईयर ज्वाइन करोगे, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट रखोगे, बैग के साथ एक स्मॉल बॉक्स रखिए जिसमें अपने इंस्ट्रूमेंट रखिए। रही बात तो अब इतनी कॉस्टली कई चीज़ें, जैसे कि आपका एंडोस्कोप है, एक एंडोस्कोप 19,000 का 18,000 का आता है, और पोर्टेबल एंडोस्कोपी यूनिट अगर आप थर्ड ईयर में लेना चाहते हो, 60,000 के 60-70 के बीच आता है। मैराथन ड्रिल 16,000 के आसपास है। तो इतना मतलब जो कॉस्टली है इंस्ट्रूमेंट कैसे करोगे, तो एक चीज़ मैं बताऊँ, आप मेन बेसिक इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं बताऊँ, कुछ रिप्रेजेंटेटिव है आपको इंस्ट्रूमेंट देंगे, या तो आपका इंस्ट्रूमेंट लेने को पार्शली फंड कर देंगे या कंप्लीटली फंड कर देंगे, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फार्मा कंपनी है जो इंस्ट्रूमेंट देते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जैसे सक्शन टिप हो गया, टंग डिप्रेसर हो गया, माइक्रो सक्शन टिप हो गया, फिर कुछ कुछ जैसे आर्टरी वगैरह हो जाता है कई बार, हार्टवेंस पैकिंग फोर्सेप, ये सब चीज़ें देते रहते हैं वो रेगुलर रेगुलर, तो इससे आपका कलेक्शन बन जाएगा। जॉब्सन्स हॉर्न प्रोब दे देते हैं, तो ये सब कलेक्शंस आपका ऐसे बनेगा। तो एक एक बेसिक ले लो आप, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आप ले लो। अगर आपको जरूरी है तो आप कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटेटिव से मंगा भी सकते हो। कई बार आपका जो ड्रिल वगैरह है वो भी आप रिप्रेजेंटेटिव से मंगा सकते हो, कई बार वो दे देते हैं, दैट डिपेंड्स। तो तीन कंपनीज हैं, सिप्ला, सनफार्मा और रेडी, मैंने देखा ये कंपनीज इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी देते हैं, इनके मतलब 2-3 मंथली कुछ आता है कंपनी से गिफ्ट, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आप उससे भी अपना आर्मेंटोरियम धीरे धीरे बना सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग विच इंस्ट्रूमेंट, विच कंपनी इंस्ट्रूमेंट टू बाई एंड ऑल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑन द नंबर गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।